वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? अपना अनम्यूट करके प्लीज बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आज सेशंस के लिए तैयार हैं? आज काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, इट्स तुलसी। आई एम फाइन एंड आई एम वेरी रेडी फॉर टुडेस सेशन। वंडरफुल, लवली टू नो दैट। तुलसी वेलकम, वेलकम बैक। एक्चुअली आपको फिर से स्वागत है। एंड और कैसे हैं सब लोग? Kindly unmute yourself. आप सब कोई अनम्यूट करें अपने आप को। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। आपका नाम? दीपक फ्रॉम सूरत। लवली दीपक भाई जी, ओम शांति, वेलकम। बहुत बढ़िया। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन सी ईच अदर। बहुत बढ़िया। सो आई वुड लाइक टू वेलकम सिस्टर तनु, ब्रह्म कुमारी तनु सिस्टर, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। एंड आज हम सरप्राइज लेके आ रहे हैं क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड हम इसको ऐसे भागे में पार्ट किया हुआ है, हम 40-45 मिनट्स हम तनु सिस्टर के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जिसको हम चिट चैट कहते हैं on a spiritual level, and उसके बाद में हम sister के साथ में बैठ करके आप सबके सामने पूरा का पूरा panel खुल जाएगा, and आपके पास में opportunity होगी next 15-20 minutes के लिए कि आप हमसे questions कर सकते हैं यहाँ पर। So sister तनु आपके questions के answers देंगी, and मैं sister तनु को पहले सबसे पहले उनका परिचय दे दूँ। Sister तनु को आपको मिली गया होगा परिचय majority लोगों को, लेकिन sister तनु राजयोग प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं बचपन से। काश सिस्टर तनु मेरी भी ऐसी अच्छी किस्मत होती कि मैं आपके जैसे बचपन से ये सब कुछ सीख पाता, लेकिन आप बहुत ही लकी हैं कि आपने बचपन से ये सब कुछ सीखना शुरू किया। आपको बहुत बहुत बधाइयां उस चीज के लिए। एंड साथ ही साथ उन्होंने अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट की हुई है गॉडली सर्विस के लिए। पिछले 6 साल से आप समर्पित रूप में रह रही हैं सूरत के सद्भावना, मेरे ख्याल से मैं ठीक बोल रहा हूँ, सेंटर पर, साधना भवन सेंटर पर। एंड आपने बहुत सारे सेशंस कंडक्ट किए हैं बच्चों के लिए एंड टीचिंग स्टाफ के लिए ऑन टॉपिक्स जैसे कि आपके हो गए फ्री फ्रॉम फियर। बच्चों को पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती है, डर लगता है एग्जाम के पहले, तो उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड मैं काइंडली आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। पार्टिसिपेंट्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ ताकि हम अच्छे से सुन पाए सिस्टर तनु को। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, वी आर बैक। सो सिस्टर तनु ने बच्चों के लिए फ्री फ्रॉम फियर, कैसे अपने अंदर के एग्जामिनेशन से जो डर होता है उससे कैसे अपने आपको फ्री करें, उन चीजों के ऊपर भी बातचीत करी है एंड बहुत सारे सेवाएं करी हैं। साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस आज बच्चों में, मैं भी बच्चों की क्लासेस लेता हूं तो मैं देखता हूं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम होता है। थोड़ी थोड़ी चीजों में वो दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो अपने आप को लो फील करना शुरू करते हैं। सो इनर वैल्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ में कैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए चार्ज लें। एंड फिर जो आज का जो टॉपिक है हमारा, हैप्पीनेस इज योर ओन ट्रेजर, कि हम कैसे वैल्यूज को और हैप्पीनेस को साथ में लेकर के चलें ताकि हम अपनी हैप्पीनेस को, खुशी को बरकरार रखें। देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन हम कुछ पहलुओं को आज टच करेंगे और उसके बाद में फिर आगे आने वाले कुछ सेशंस में इसको और डिटेल्स में लेके जाएंगे। तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स आप आए हैं, ये मत सोचिए कि ये फर्स्ट एंड फाइनल एंड लास्ट है आपका सेशन। ऐसे बहुत सारे सेशंस होंगे, डीप बातें होंगी हमारी। एंड एक और चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में MBA कंप्लीट किया है सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में भी, जो कि आज दुनिया में जो क्राइसिस हो रहा है वो उन्होंने MBA भी किया है उस चीजों के बारे में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्राइसिस मैनेजमेंट हो, चाहे वो लाइफ में क्राइसिस मैनेजमेंट हो, वो उन्होंने अपने आध्यात्मिक फील्ड से सीखा। एंड प्लस उन्होंने दुनियावी फील्ड में भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाए वो भी सीखा है। एंड फिर 3 years उन्होंने जॉब एक्सपीरियंस किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, एंड उसके बाद में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग।
सो सिस्टर तनु आपका परिचय बहुत ही स्वीट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड आपकी मैंने पहले भी वीडियो सुनी हुई है न्यूज 18 कौन सा चैनल 24 चैनल था शायद से एंड बहुत ही सुंदरता से आपने अपना सेशन किया है. आज हम ये चिटचैट के सेशन अभी स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम बातचीत करेंगे खुशियों के बारे में. सिस्टर आज देखा जाए कहा जाता है कि ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे हम अपने जीवन में लेकिन फिर भी आज इंसान खुश नहीं है. और हम जैसे कि सीखते हैं अध्यात्म में कि कहते तो है कि ना कुछ लेके आएंगे ना कुछ लेके जाएंगे लेकिन अध्यात्म कहता है कि हम अपने साथ में कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही जाएंगे चाहे वो ईश्वरीय खजाने हो चाहे वो हमारे पास में दुआएं हो या बददुआएं हो हम वो सब कुछ लेके जाएंगे. तो हम कैसे अपने आप को खुश रखें ये सोच करके कि हम यहाँ पर आए हैं एक सिंपल सा मुसाफिर बन करके वो इतना मुश्किल क्यों हो जाता है सिस्टर मुसाफिर समझना हमें काइंडली आप हेल्प करें हमें गाइड करें इस चीज के बारे में. सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहती हूँ कि आप सबने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी एंड जैसे कि परमप्रीत भाई ने कहा कि खुशी देखा जाए तो हमारी अपनी नेचर है ये हमारा अपना खजाना है लेकिन जब हम अपनी खुशी को किसी भी चीज पर डिपेंडेंट कर देते हैं बाहरी चीजों पर जो खुद स्टेबल नहीं है या कहें जो खुद टेम्परेरी है जब कुछ ऐसी चीजों पर हम अपनी खुशी को डिपेंडेंट बना देते हैं तो जैसे ही वो हमने किसी को डिपेंडेंसी किसी चीज की हमने ले ली तो जैसे ही वो आधार हमारा हिलता है तो वैसे हमारी खुशी भी डगमग होती है. जैसे हमने मान लिया आजकल मोबाइल में बहुत सभी को इन्वॉल्वमेंट सभी की रहती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहें कि एक बार को हम कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन अपना मोबाइल हम नहीं भूलते हैं उसको चार्ज करना नहीं भूलते उसको साथ लेके जाना नहीं भूलते हैं. तो अगर टेम्परेरी भी मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं फॉर अ सम टाइम 5 मिनट 10 मिनट भी अगर ऐसे हैं कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क किसी कारण से नहीं आ रहे हैं तो उसी समय मेरी जो खुशी अभी तक मैं चिट चैट कर रही थी किसी के साथ में कोई नेटवर्क यूज कर रही थी मैं कोई चैनल यूज कर रही थी तो उससे मैं कनेक्ट थी तो मैं खुश थी लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क चले जाते हैं वैसे ही मेरी खुशी गायब हो जाती है. तो खुशी हम अगर हम परमानेंट खुशी चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले मुझे यही समझना पड़ेगा कि खुशी कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिल सकती. राइट. अगर हमने उसको डिपेंडेंट बना के रखा किसी भी चीज से या किसी व्यक्ति से पेरेंट्स होते हैं वो अपनी खुशी को अपने बच्चों से कनेक्ट करके रखते हैं मेरे बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं उनका लाइफ अच्छे से चल रही है वो खुश है तो हम खुश हैं और इस थिंकिंग को हम बहुत अच्छा समझते हैं कि मेरे बच्चे खुश है मेरी फैमिली खुश है तो मैं खुश हूँ. लेकिन जैसे ही उनकी खुशी डगमग होगी उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई हम अगर मानते हैं उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है उस समय बच्चों को सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए. लेकिन जैसे ही बच्चों की खुशी गायब हुई तो पेरेंट्स की खुशी भी गायब हो गई पेरेंट्स का जो पेशेंस था वो भी चला गया तो क्या वो अपने बच्चों को उस समय सपोर्ट कर पाएंगे. सिस्टर बात वही आती है ना कि आप जैसे कह रहे हैं कि पेरेंट्स की खुशी उस समय चली जाती है वो आपने जैसे कहा कि डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी सो चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई मोबाइल फोन का आपने एग्जांपल दिया था सुंदर एंड वैसे आज जो प्रॉब्लम चल रही है एंड साथ साथ फिर क्या होता है कि पेरेंट्स भी क्या होता है कि हाँ बच्चा खुश है तो हम खुश हैं. और अगर कई कोई सिचुएशन आ गई तो हम देखते हैं आजकल की पेरेंट्स में अगर अगर सहन की शक्ति नहीं होती है तो ज्यादातर क्या करते हैं वो और को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या किसी को बददुआएं देना शुरू कर देते हैं या भला बुरा बोलना शुरू करते हैं कि उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ में ऐसे हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशंस जो हैं ये हम पेरेंट्स से ही कभी कभी सारी चीजें हम आस्ते आस्ते हमारे अंदर ये संस्कार जा जाते हैं जिस कारण से हमारे अंदर भी सहन शक्ति खत्म हो जाती है और फिर हम भी खुशी को गायब कर देते हैं पेरेंट्स जैसे रिएक्ट करते हैं हम भी वो सीख लेते हैं फिर. तो पेरेंट्स ने हमें एजुकेशन दे दी सब कुछ तो दे दिया लाइफ में लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें और कुछ भी मिलना चाहिए ताकि हम खुश रह पाए क्योंकि आपने पेरेंट्स की बात करी आज. एक्चुअली नॉट ओनली पेरेंट्स क्योंकि हमारी जो एक हमारा जो बचपन से माइंडसेट जो डेवलप होता है वो पेरेंट्स स्कूल और हमारी सोसाइटी
तीनों ही एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है, तीनों ही फैक्टर वर्क करते हैं. ओके, बच्चा कहाँ ज्यादा कनेक्ट है. हाँ जी, मोस्ट ऑफ ज्यादातर टाइम हम अपनी फैमिली में स्पेंड करते हैं. हाँ जी, जैसे जैसे फिर ग्रोइंग होती है तो अलग, जैसे स्कूल कॉलेजेस में ज्यादा टाइम, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम, तो जिस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर बनता चला जाता है, जैसा जिस सर्कल में हम रहना शुरू कर देते हैं, वहां का जो माइंडसेट होता है वही हमारे भी माइंडसेट को चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है. देखा जाए तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी उसी सोसाइटी से, उसी कल्चर से सीख सीख कर बड़े हुए हैं. अगर आप जैसे हम, एक बच्चा छोटा होता है वो चलना शुरू करता है, गिरता है या किसी चीज से टकरा जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको चुप करने के लिए उस चीज को ब्लेम कर देते हैं. अरे इसने मारा मेरे बच्चे को, इसने मारा, उसको मारना शुरू कर दे, इसको मार, ये चीज देखिए, तो फिर कहेंगे अभी ठीक है, जैसे ही मारेंगे फिर कहेंगे अभी स्माइल करो, अभी देखो मैंने इसको मारा तो अभी तुम ठीक हो जाओ. तुम्हारी गलती नहीं है. हम ये भी सिखा रहे हैं ना कि आपको अगर कोई हर्ट कर रहा है तो आप भी उल्टा उसको हर्ट करोगे तो आपको खुशी मिल जाएगी, मतलब आपकी खुशी जिसने छीनी की वजह से आप गिरे तो आपकी खुशी गायब हुई, अभी आप इसको वापस हिट करोगे तो आपकी वो खुशी वापस आ जाएगी. ओके, तो ऑलरेडी हमारे अंदर एक तरीके से हो गया कि गलती किसी और की है और हमें रिवेंज लेना है एक प्रकार से. हाँ, बदला लेना है हमें, बदले की भावना हमें क्रिएट करनी है. जी, तो ये बचपन से एक तरीके से कहीं ना कहीं हाँ होता है ऐसे कि हाँ बच्चा गिर गया हो तो उसको दीवार को मार दिया, देखो दीवार की गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं थी. राइट, हमारे अंदर फिर इसका मतलब था टॉलरेंस पावर बिल्कुल खत्म बच्चे को, बचपन से टॉलरेंस पावर खत्म, तो क्या उससे कुछ असर पड़ेगा हमारी खुशी के ऊपर सिस्टर? एक्चुअली देखा जाए तो टॉलरेंस पावर हमारी, हमारे अंदर है. हाँ जी, टॉलरेंस पावर है, लेकिन वो हमें कहाँ यूज करनी है, कहाँ नहीं करनी और कितनी यूज करनी है वो हम अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर पाते. कहाँ यूज करनी है और कितनी यूज करनी है सिस्टर, कैसे मतलब? मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक माँ होती, राइट, हम फैमिली और बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसी चीज को हम लेकर चलते हैं. हाँ जी, एक माँ होती है, बच्चा छोटा होता है. हाँ जी, और कई बार आपने देखा होगा वो गोद में लेकर उसको बैठी हुई है तो बच्चा खींचता है. हाँ, छोटा बच्चा कई बार मारता भी है, कई बार चिल्लाता भी है, लेकिन माँ उस समय खुश हो रही है. हाँ, बाल खींच रहा है उस समय. हाँ, लेकिन वो उसको वापस नहीं मार रही है या उसके ऊपर चिल्ला नहीं रही है क्योंकि उसको पता है कि बच्चा छोटा है, उसको समझ नहीं है. लेकिन जैसे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, हाँ जी, है ना, या फिर कोई और व्यक्ति उस बच्चे की जगह होगा. हाँ जी, गलती से भी आपने देखा होगा बस में या कहीं पर ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा भी किसी से गलती से भी हिट हो जाता है तो हम उनके ऊपर चिल्ला देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग. राइट, है ना, कि भाई उसकी गलती थी भी या नहीं. तो देखा जाए तो टॉलरेंस पावर तो है, लेकिन हमने ये प्रोग्रामिंग की हुई है कि यहाँ मेरा ये अपना बच्चा है तो यहाँ मैं इसकी हर बार टॉलरेट करूंगी. ओके, और मैं वहां नहीं करूंगी. तो मतलब हमारे अंदर एक भाव से दिखाया था मेरापन बहुत ज्यादा हो गया कि हम अपने सेल्फ कॉन्शियस कहें, सेल्फिश कहें एक प्रकार से, अपने ऊपर ज्यादा फोकस है, मैं और मेरा परिवार इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी लोगों के प्रति हमारा वो भावना शायद से जागृत नहीं, ये कहना चाह रहे हैं शायद से. राइट, देखिए हमने अपना जो सर्कल है ना वो बहुत छोटा बना दिया. सबसे पहले मेरी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होनी चाहिए. हाँ जी, फिर उसके बाद मेरी फैमिली और बस. बस वहीं तक सीमित हो गया. वो हमने अपने माइंडसेट को इतना सीमित कर दिया. अभी अगर हम उस समय पहले की बात देखते हैं तो पहले जो हैप्पीनेस इंडेक्स था देखा जाए, जो मटेरियलिस्टिक चीजें थी वो इतनी नहीं थी, कंफर्ट इतना नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लोग खुश रहते. राइट, क्योंकि एक गांव है तो वो गांव वाले सबको एक फैमिली मानकर चलते. राइट, राइट,
में कोई भी किसी का किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो सब मिलकर सॉल्व करती थी, वैसे ही फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, उसमें सब रहते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करते थे, एक दूसरे की बातें अंडरस्टैंड करते थे. तो कारण यही था जैसे हमने पहले कहा टॉलरेंस पावर. आज जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, उसका कारण है टॉलरेंस पावर नहीं है. और वो टॉलरेंस पावर सिर्फ हमारी बड़ी फैमिली से हमने छोटी फैमिली तो बना ली, लेकिन क्या आज वो न्यूक्लियर फैमिली में भी हैप्पीनेस है? क्योंकि हमारा माइंडसेट और ही नैरो होता चला जा रहा है. हम एक दूसरे को ही एक्चुअली टॉलरेट नहीं, अपने फैमिली में ही हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते सिस्टर. बाहर की बात तो आज देखा है तो बहुत दूर की बात हो गई एक्चुअली सिस्टर. दूर की बात, आप देखिए बच्चे माता पिता को टॉलरेट नहीं कर सकते. आज के आप कई बच्चों के मन से मुख से कहते हुए सुनोगे मैं ना अपनी मदर को टॉलरेट नहीं कर सकता. टॉलरेंस पावर खत्म क्यों हो रही है? हम क्यों टॉलरेट, बच्चा एक माँ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स तो फिर भी चलो बच्चे हैं समझ करके, हाँ सहन शक्ति थोड़ी आ जाती है, एक भावना आ जाती है अंदर से, लेकिन मेरे ये बच्चे जो हुए सारे बच्चे क्यों नहीं टॉलरेट कर पा रहे पेरेंट्स? क्या चीज वो देख रहे हैं, क्या क्योंकि एक जनरेशन गैप जो आता है, वर्ल्ड कंटिन्यू चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी मेंटेलिटी चेंज हो रही है. क्योंकि जो लाइफस्टाइल आज से 10 साल पहले था या 5 साल पहले, समथिंग कोरोना से पहले जो लाइफस्टाइल था, अगर हम अभी छोटी सी बात ही हम देखें, हम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सेमिनार्स का इतना चलन नहीं था. राइट. तो कोरोना ने हमें एक ये नई चीज सिखाई, यानी कि टाइम कंटिन्यू चेंज हो रहा है. तो वहां दोनों ही ओर से कुछ ना कुछ की जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मेंटेलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को या उनकी सिचुएशंस को, क्योंकि पेरेंट्स आज के एटमोसफियर को देखकर बहुत वरिड हो जाते हैं. राइट. हम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं तरीके से. जी जी, पजेसिवनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि आज का नेगेटिव एटमोसफियर इतना है कि बच्चे कहीं पर भी भटक सकते हैं. उसमें कहे जो सोशल मीडिया है उसका रोल बहुत बड़ा आ जाता है. क्योंकि कुछ समय पहले तो ये सब चीजें नहीं होती थी मोबाइल में, अभी जो फ्री इंटरनेट आ गया है इतना, अभी तो स्कूल कॉलेजेस का भी ऑनलाइन चला, तो बहुत सारे पेरेंट्स कोरोना में आकर, कोरोना के बाद जैसे ही क्लासेस शुरू हुई तो कईयों ने आकर शेयर किया कि दीदी क्या करें, मोबाइल देना भी पड़ता है और हमें पता भी नहीं होता वो क्या कर रहे हैं मोबाइल में बैठकर. तो वो वर्ड है कि उनके हाथ में वो मोबाइल है, तो वो कह सकते हैं, वो कहते हैं ना दो धारी तलवार के समान है. तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं उसमें, मतलब कि एंड आप सही कह रहे हैं, तरीके से देखा जाए तो आज वैल्यूज जो हैं, आज वो हमारे जो सोसाइटी का है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जो मीडिया सिस्टम है, उसमें हमें वैल्यूज कम मिल रही हैं. इस चीज का मेरे ख्याल से फिक्र होगा शायद से पेरेंट्स में, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से उनको यही फिक्र है क्या वहां से सीख क्या रहे हैं ये लोग. पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके आए हैं, एंड पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि मेरे बच्चे हैं तो ये कुछ मेरे से अच्छा सीखें, चाहे वो डिसिप्लिन सीखें या सच बोलना सीखें, ऑनेस्टी, कोई ना कोई वैल्यूज वो चाहते हैं अपने पेरेंट्स कि बच्चों को दें वो. एंड शायद से ये मीडिया जो कर रहा है वो शायद से छीन रहा है सारी चीजें बच्चों से. क्या ये भी कारण हो सकता है खुशी खत्म हो रही है आज फैमिलीज में, वो टसल हो रही है, झगड़ा हो रहा है? ये एक बिग रीजन है कि आज सोशल मीडिया ने हमारी पर्सनल रिलेशनशिप को के अंदर बहुत ही गैप क्रिएट कर दिया. हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे ही क्यों, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एक रूम में बैठा है, कोई एक रूम में बैठा है, सब फोन लेके बैठे हुए हैं. अभी कुछ समय पहले आपने भी शायद देखा होगा, वो एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो सर्कुलेट हुई थी, थ्री इयर्स हुए मैं भी, उसमें तीन लोग बैठे हुए हैं और दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, वो तीनों ही मोबाइल में हैं. वो फ्रेंड उस फ्रेंड सामने जो फ्रेंड बैठा है उसको टेक्स्ट करके कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इन प्लेस ऑफ कि हम सामने से बातें करें. तो सिचुएशन ये है. हां जी.
और दिस इज प्रैक्टिकल. हम आप देखिए फैमिली मेंबर्स घर में आपस में बातें नहीं करते, वो शायद एक ही घर में रहते हुए वो मिलते नहीं, साथ में डिनर नहीं करते, साथ में बैठकर बातें नहीं करते, लेकिन फेसबुक पर एक दूसरे की फोटो पर कमेंट करना ज्यादा इजी समझते हैं. वहां पे लाइक आ जाएगा राइट. तो एक तरीके से जैसे कहते ना कि डिटैच रहो, आजकल डिटैचमेंट को शायद से इंसान ने गलत तरीके से समझ लिया कि डिटैच मतलब मैं कमरे में बैठूं, तुम एक कमरे में बैठो और हम वहीं से एक दूसरे को मैसेज करने, वही डिटैचमेंट होगी क्योंकि आपस में एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते. राइट राइट. एक्चुअली एक नया कॉन्सेप्ट आया है पर्सनल स्पेस. हां पर्सनल स्पेस एग्जैक्टली. ये बहुत सुनने में आता है आजकल, आई वांट माय स्पेस. या राइट. तो आई वांट माय स्पेस यहां मेरे माइंडसेट में, मेरी थॉट्स में, नॉट कि मैं यहां ये रूम मेरा है तो ये मेरा पर्सनल स्पेस है. Okay. आप देखिए क्या हुआ, फ्रीडम की बात कहें, पर्सनल स्पेस की बात कहें, जितना जितना ये कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है उतना उतना हमारे माइंड में लोनलीनेस बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है. उसका कारण यही है कि हमने अपने आप को बहुत ही कंजर्व कर लिया है, मतलब अकेला कर लिया अपने आप को, एक तरीके से चारों तरफ से बंद कर लिया हमने अपने आप को. या और जो हम सोशल मीडिया पर अपना इतना बड़ा सर्कल हम लेकर चल रहे हैं वो पर्सनली है. एग्जैक्टली. एक्चुअली पहले पर्सनल रिलेशन होते थे तो वहां पर एक एनर्जी, आप देखिए क्या होता है, अगर हम देखा जाए तो हमारी एक एनर्जी होती है, हर एक एनर्जी ऑरा होता है. हाँ जी. और वो एनर्जी हमारे 3 पॉइंट से रेडिएट होती. फर्स्ट हमारी आईज से, सेकंड हमारे हैंड से, और थर्ड हमारे फुट स्टेप से. ओके. आंखों से, हाथ से और पैरों से एनर्जीज बाहर जा रही होती है जी, रेडिएट हो, जिसको ऑरा भी कह सकते हैं तरीके से. हाँ, ओरा तो नहीं कह सकते, मतलब ओरा भी उसी अकॉर्डिंग क्रिएट होता है, लेकिन ओरा एक अलग चीज हो जाती है. ओके. ठीक है. तो पहले क्या, आप देखिए जब कोई डिस्टर्ब होता है, कोई परेशान होता है, तो हमें हल्के से टैप कर दे, हाँ जी, हमें अच्छा लगता है, चिंता नहीं कर रहे, सिर्फ इतना भी कह दे. जो पुराने जो हमारे दादा दादी होते थे वो जब आशीर्वाद देते तो सर पर ऐसे हाथ रख देते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था. अभी भी कोई रखे तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब एक कॉन्फिडेंस, एक अपना पर्सनल जैसी फीलिंग आती है कि हाँ कोई मेरा है अपना. right. तो ये पर्सनल इंटरेक्शन जो एनर्जी का हमारा ट्रांसमिशन होता था, एक दूसरे को हम एनर्जी देते थे तो क्या होता था, उससे आत्मा फुलफिल होती थी क्योंकि एक ट्रांजेक्शन चल रहा है, मैं अपनी एनर्जी कुछ दे रही हूँ तो उधर से भी मुझे मिल रही है. हाँ, लाइक जैसे दार्जिलिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं छोटे शहर से दार्जिलिंग में, हम जैसे बड़ों को मिलते हैं तो हमेशा हम पूरा तो नहीं झुकते, जैसे दिल्ली में तो पूरे पाए लागू करके फ्लैट हो जाते हैं कुछ लोग, वैसे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके झुक जाते हैं और वहाँ पे सर पे हाथ रख देते हैं बड़ों के सामने. तो आप कहना चाह रहे हैं कि उससे एनर्जी फ्लो कर जाती है. राइट. ओके. लेकिन आज हमें वो पर्सनल टच नहीं मिल रहा है ना, वो तो फिर लाइक और हार्ट्स और वही चीजें मिल रही, स्माइलीज ही मिल रही हैं आजकल. राइट राइट. अब जब तक हमारी हमारी स्थिति अच्छी है, हमारा मूड अच्छा है, तो हम उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मूड खराब, हमारी कोई सिचुएशन ऐसी आई, तो कितना भी आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करो आपका मूड ठीक नहीं हो सकता. Exactly. वही पर्सनल, आप किसी फ्रेंड से मिलने चले जाओ, आप 5 मिनट उसके पास बैठो जहां से आपको एक्सपेक्टेंस मिल रही है, तो आपका मूड ठीक हो जाएगा. देखो, तो आपका कहने का मतलब कि लोनलीनेस एक मेन कारण है हमारी खुशी कम होने का, और ये सारी चीजें, वो पर्सनल टच कम हो गया है, पर्सनल इंटरेक्शन कम हो गया है हमारा बीच में जी, तो उस कारण से हमारे फिर मतलब क्या चीज की कमी क्या हो रही है, सो एग्जैक्टली ये क्यों आ गया हमारे बीच में सारी चीजें, इसका रीजन हमें पता चल गया, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसका रीजन अगर हम देखें तो रीजन क्या हो रहा है इसमें, क्यों लोग दूर होते जा रहे हैं इससे, और जिस कारण से खुशी कम हो रही है. कारण यही है कि हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी. किससे? हर चीज से, खुद से. आप देखो, आप खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते. ओके. हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन जब भी हम कुछ करने का डिसाइड करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि 4-5 लोग हो जो मुझे कहे कि हाँ आप ये कर सकते हो.
हाँ, तो हम ज्यादातर तो पेरेंट्स से ही पूछेंगे, पेरेंट्स के बोल कहते हैं ना कि पेरेंट्स के आशीर्वाद हो तो आप आगे बढ़ सकते हो जीवन में, फैमिली का आशीर्वाद हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो फिर वो चीज तो हम पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, फ्रेंड्स से पूछेंगे, अगर वो बोलेंगे हाँ कर सकते तो हम करेंगे। वो बात तो ठीक है कि हम पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, हम उनसे सलाह ले रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं वो हमें, वो चीज ठीक है, लेकिन क्या मेरा खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है? आज देखा जाए तो हम खुद से ही कनेक्टेड नहीं है। ओके, मतलब कि खुद से कनेक्शन नहीं है, वो कारण भी हो सकता है खुशी ना हो। एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब हम कोर्स कराते हैं तो मैं क्वेश्चन सबसे पूछती हूँ मोस्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर में, जो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग का कोर्स होता है। हाँ जी, उसमें कि क्या हम अपनी 5 qualities जानते हैं? ओके, ये इंटरेस्टिंग होगा हमारे दर्शकों के लिए आज, ये 5 qualities हैं कौन सी? ये हम वर्कशॉप भी कर सकते हैं, एनी मेरे अंदर कोई भी क्वालिटीज हो सकती हैं, आपके अंदर कोई भी क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन क्या मैं अपने अंदर की 5 qualities जानती हूँ कि मेरे अंदर 5 qualities कौन सी है? ओके, मतलब क्या ये पर्सनल हो सकती हैं कि ये कॉमन क्वालिटीज हैं सबकी? नहीं नहीं ये हर एक की पर्सनल है, पर यहाँ से हम उनको ये चीज क्लियर करना चाहते हैं कि आज हम खुद को ही नहीं जानते, मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते। हाँ, मैं अपनी ही 5 qualities नहीं बता पाती, और आप बिलीव नहीं करेंगे यदि मैं 10% की बात करूं तो मुश्किल से 1% ऐसा होता है कि बता पाते। ये प्रैक्टिकल डेटा मैं आपको बता रही हूँ। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि हमें जब अपनी क्वालिटीज नहीं पता है तो इस कारण से हम फेसबुक में चले गए, सोशल मीडिया में चले गए, वहां से हम लाइक्स चाह रहे हैं, कोई मुझे कह दे अच्छा, एंड वहां से अगर वो मुझे अप्रूव करेंगे तब जाकर के मेरे अंदर एनर्जी आएगी और मैं खुश होऊंगा कि मैं हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। राइट, आप देखिए कोई भी नई ड्रेस हम लेकर आए, कोई भी हम नई ज्वेलरी खरीद के लेकर आए, तो आजकल हम क्या करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, राइट, और वो या तो हम सोशल मीडिया पर सेंड करेंगे या तो हम अपने किसी 4-5 friends को या जो हमारा फ्रेंड पर्सनल ग्रुप होता है वहां सेंड करेंगे, वहां से 4-5 लोग जो बोलेंगे यार तू बहुत अच्छे खरीद के लाए, रेट बहुत अच्छे थे, तो हम खुश हो जाते हैं, हाँ सेटिस्फाइड है। ओके, अगर किसी ने भी कह दिया कि नहीं ये तो, अरे वहां तो ये इतने में मिल रहा था, इसका ये कलर अच्छा नहीं है, इसका इसमें ऐसा हो गया, तो हमारे माइंड में वो चीजें फिर चलती रही और शायद वो ड्रेस को मैं पहनूंगी भी नहीं। एग्जैक्टली, एंड ऐसे भी तो हो सकता है ना सिस्टर कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं जेलसी या एनवी भी हो रहा हो किसी और को देख करके, कि किसी ने किसी की लाइफ बेटर है मेरे से फेसबुक पे, मेरे को जेलसी हो रही है, एनवी हो रही है, तो उससे क्या हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा इन चीजों का? मेरे ख्याल से तो पड़ता है। वो तो पड़ता ही है। देखिए क्या है, जेलसी एक नेगेटिव चीज है, और जैसे ही नेगेटिव इमोशन मेरे अंदर आएगा तो वो तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा ही। लेकिन अगर किसी और ने मेरे प्रति अगर नेगेटिव कमेंट कर दिया तो मैं कैसे उसको फेस करूं फिर? कारण तो यही है ना कि आज हम एक्सपेक्टेशन चाहते, अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ मुझे पता है, अच्छा right? तो मेरे लिए कोई क्या कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। तो फिर क्या हम उस चीज के लिए कोई मेडिटेशन या कोई चीज ऐसे कर सकते हैं इस 2 मिनट में अभी, ताकि हमारे अंदर एटलीस्ट हमारा फोकस तो जाए कि हमारे अंदर है क्या अच्छा, बिकॉज हम औरों से चाहते हैं कि वो हमें बताए कि हम कौन हैं। जी जी बिल्कुल, राजयोग में हमें यही सिखाया जाता है सबसे पहले कि हम खुद से कैसे कनेक्ट हो, क्योंकि देखा जाए तो आत्मा के अंदर क्वालिटीज है, परमात्मा कहता है चाहे किसी के अंदर 99 कमियां भी है ना, तो भी मैंने एक अच्छाई तो भरकर भेजी है, तो श्योर है। ओके, मतलब कि पूरा का पूरा अमावस्या नहीं है हर कोई, थोड़ी सी लकीर फिर भी बाकी है किसी के अंदर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसको पहचाने कैसे सिस्टम, मुझे कैसे पता है मेरे अंदर क्या अच्छा है, ताकि मैं खुश हूँ उस चीज से रिलेटेड होकर के, और मुझे किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े कि वो मुझे खुशी दे, मुझे खुद ही पता हो कि अंदर मेरे अंदर क्या अच्छा है। जी जी, ये जो पर्सनल स्पेस की हमने बात टच की थी ना, हाँ जी, तो ये पर्सनल स्पेस मुझे टाइम में चाहिए, रूम में नहीं चाहिए, घर में नहीं चाहिए। ओके, अपने लिए थोड़ा समय हम निकालें और अपने साथ उस टाइम को स्पेंड करें। ओके, वो तो हम करते हैं लाइक दैट, मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, अच्छा सा मूवी देख रहा हूँ, कुछ कोई अच्छे सीरियल्स देख रहा हूँ, कोई न्यूज सुन रहा हूँ, मैं करता हूँ अपने साथ में।
वो टाइम आप अपने साथ स्पेंड नहीं कर रहे, आप उस मूवी के साथ, उस गैजेट के साथ स्पेंड कर रहे हैं। अपने साथ टाइम स्पेंड करना, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इस टाइम थॉट्स को नहीं दे सकते ना, थॉट्स को कैसे मैं कैसे जानूं कि मेरे अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं इस समय। सपोज किसी ने मुझे कुछ कह दिया आकर के, या सुबह कुछ कह दिया, मेरे बॉस ने कुछ मेरे को बोल दिया आज सुबह के सुबह, और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपना, तो मुझे तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कितना समय, जैसे ही आप मूवी बंद करेंगे, जैसे ही आपकी मूवी कंप्लीट हुई, तो रिपोर्ट्स नेक्स्ट डे आप जैसे ही ऑफिस जाएंगे बॉस को देखेंगे तो क्या आएगा? वो फीलिंग्स आएंगी वापस, मतलब कि वो उसने क्या कहा, क्या क्या बोला मुझको। और वही अगर आप रात में जाकर उस चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि ये तो हमें ठीक है, बॉस ने क्या कहा, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स ने कुछ कह दिया मुझको, बॉस ही नहीं, कोई भी कह सकता है। राइट राइट। तो कई बार आपने देखा होगा, हम कुछ, हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी बात पे, मेरा मूड बहुत अच्छा था लेकिन किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, कि थोड़े समय बाद हमें ये रियलाइज होता है, अरे कोई बात भी नहीं थी, मैं चुप रहता थोड़ी देर तो अच्छा हो जाता। हाँ, अगर मैंने कुछ ना बोला होता, मैंने रिएक्ट ना किया होता, तो कुछ नॉर्मल होता, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट, बात बहुत छोटी सी थी लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया कि मेरे घर में बातचीत बंद हो गई, जो वाइब्रेशन थे घर के वो चेंज हो गए, मेरी वजह से, मेरी जिसके साथ हुआ वो तो बात कर ही नहीं रहे लेकिन बाकी का मूड भी डिस्टर्ब हो गया, तो वो भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और फिर वो हम सॉल्व भी नहीं करते क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हम बातें करना बंद कर देते हैं। राइट, अपने अपने चले गए रूम में और चुपचाप बैठ गए जाकर, और फिर ये टाइम पीरियड कई बार बहुत लंबा चल जाता है। ओके, उससे क्या हुआ, मेरे घर के वाइब्रेशन खराब हो रहे, और सिर्फ मेरे और जिसके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस रिलेशन में, सिर्फ उनका ही ब्रेक नहीं होता है, वो वाइब्रेशन पूरे घर में होते तो सबका मूड ऑफ रहता है। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, जिस दिन किसी एक व्यक्ति का मूड फैमिली में ऑफ है और वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या कुछ, तो पूरी फैमिली मेंबर्स का चेहरा एकदम उतरा हुआ, जैसे सबके साथ कुछ हो गया, क्योंकि वाइब्रेशन घर के वैसे हो जाते हैं। राइट राइट राइट। और फिर अच्छी, अंदर से अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, दूसरे की आंखों में आंखें नहीं दे सकते हम। हाँ राइट। और जैसे जैसे वो टाइम फिर हमारा पास होता है, फिर कुछ हमें स्टिमुलस चाहिए दूसरे से बात करने के लिए, भाई कोई या तो हमें आके बातचीत हमारी कराए या कोई ऐसा काम आ जाए कि हम बातचीत कर सके, है ना, उसके बाद फिर नॉर्मल होता है, फिर चार पांच दिन बाद फिर हमारी फीलिंग्स थोड़ी दूसरे के प्रति नॉर्मल होगी, फिर हम देखेंगे अभी धीरे धीरे घर का वातावरण बदल रहा है। तो बहुत लंबा टाइम चला गया, बहुत वो नेगेटिव चीजें हमने क्रिएट कर ली, और उस समय जो हमारे माइंड में सब चल रहा होता है, तो ऐसे समय पर एक दूसरे की कमियां ही नजर आती। राइट, कहां कमियां नजर आती, क्योंकि हम सोचते रहते हैं उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, वो समझता कि अपने आप को, या मतलब कि हम एक तरीके से उनको एक तरीके से श्राप बोलें या कुछ, एक तरह से ब्लेमिंग गेम चल रहा होता है हमारे अंदर अंदर। हाँ, वो ऐसे मुझे ब्लेम कर, अरे उन्होंने ऐसे बोला, मैं थोड़ी ना कुछ, मेरा तो मूड ठीक था, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो इतनी सी बात कही, उन्होंने ये बोल दिया तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। पर सिस्टर मजा आता है ना उसमें, तो हमें तो कि मैंने तो उसको बोल दिया और वो अपनी जगह पे ठीक हो गया, वो तो मेरा बॉस था या जो भी था, मेरे से सबॉर्डिनेट था, उसको मैंने अपनी जगह पर रख दिया, उसको तो मैंने बता दिया कि वो अपनी औकात में रहे, हम ऐसे वर्ड्स भी तो यूज करते हैं ना, मैंने उसको आज समझा दिया, सुना दिया उसको, मैंने आज सुनाना मेरा कर्तव्य, मैंने सुना दिया बस, और उसमें हम नशा आ जाता है सिस्टर, हमें बड़ी खुशी आती है हमें तो, कि भैया मैंने उसको जगह दिखा दी। लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से हमारा रिलेशन तो खराब हो गया ना। मतलब वो बातें बार बार याद आती रहती है। हाँ, तो जैसे ही हम देखेंगे, एक जो हमारे बीच में एक फीलिंग्स थी, एक लवफुल नेचर था, एक कोऑपरेटिव फीलिंग्स थी, वो मुझे कोऑपरेट करते थे किसी भी चीज में, एक छोटे से बात की वजह से वो सारी चीजें चेंज हो गई, और इन फ्यूचर के लिए कभी भी अब वो सामने जिसको भी मैंने बताया कि भाई तुम अपनी औकात में रहो, अभी वो सामने वाला भी बैठा है कि मुझे भी चांस मिलेगा ना, मैं भी छोड़ने वाला नहीं। दोनों तरफ से तीर चलेंगे चलेंगे फिर, इसका मतलब, और वो सिचुएशन, वो समय जब तक आएगा तब तक यहाँ तो चल रहा होगा ना, क्योंकि एनर्जी तो यहाँ से रेडी हो रही, अब उसको जैसे वो उस चीज के लिए हर समय वो रेडी है,
सामने वाला बंदा जिसको मैंने औकात दिखाई है कि हाँ जैसे मुझे चांस मिलेगा इसको कुछ ना कुछ इसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने का, मैं छोड़ने वाला नहीं। तो फिर तो सिस्टर मतलब कि पूरा दिन हमारा एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, और कहीं ना कहीं खुशी भी गायब हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर मुझे पहले ऑफिस में जाने से मिलता था वो अभी नहीं है। अभी मैं जब भी उस बंदे को देखूं मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। मैं अपने तीन चार मेरे कलीग्स हैं, मैं उनके साथ बैठ के मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम हंसी खुशी की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आया मेरा मूड खराब सडनली, प्राउड करके अपने ऊपर हम रेडिएट कर रहे हैं, उसको हम फैला रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, दैट मींस कि मैंने बहुत अच्छा किया। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग उनमें से भी एक दो का पहले उसके साथ कुछ व्यक्ति के साथ हो चुका होता है ना, तो वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, अरे बहुत अच्छा किया ये व्यक्ति तो ऐसा ही। वो हमें ये नहीं कहते नहीं भाई तुम तो अपने रिलेशन, तुम्हारा इतना अच्छा रिलेशन था आप क्यों खराब कर रहे हो, कोई बात नहीं छोटी बात नहीं, क्योंकि उनका पहले वो हो चुका है कुछ अगर उस व्यक्ति के साथ, है ना, या फिर उनका कुछ पर्सनल ऐसा कुछ कनेक्शन है कि वो उनके बीच में पहले से कुछ चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, कुछ चल रहा है, है ना, तो वो मुझे और अप्रिशिएट करते हैं, अरे बहुत अच्छा किया इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। तो मतलब कि हमें बातें फिर फैलाने नहीं चाहिए। एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी फैलाने से मेरी एनर्जी और ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही, और ज्यादा ड्रेन हो रही अगर हम नेगेटिव एनर्जी किसी की फैला रहे हैं तो। अच्छा, वही यही बात आती है कि टॉलरेंस पावर, माना कि किसी के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें हैं भी, क्योंकि हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता ही है। किसी के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, किसी के अंदर कुछ कमियां हैं, हमारे खुद के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, लेकिन फिर भी हम अपने साथ जी रहे हैं ना, चल रहे हैं ना अपने आप को लेकर। वैसे ही अगर हमें सामने किसी के अंदर कुछ कमियां नजर आ भी रही है, तो सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि पॉजिटिविटी भी उस व्यक्ति के अंदर है। देखिए एक हम सिंपल एग्जांपल है, हम मार्केट जाते हैं, हाँ जी ठीक है, वहां पर मालिया में बहुत सारे, मैं कोई ड्रेस खरीदने के लिए गई हूँ, ठीक है, और मैं पर्टिकुलर एक ब्रांड की ड्रेस पहनती हूँ, ठीक है। अभी वहां तो बहुत सारे ब्रांड की ड्रेस होती है, कुछ अच्छी क्वालिटी की होती है, कुछ खराब क्वालिटी की होती है, लेकिन हम सब चीजें नहीं देखते। मुझे जो चाहिए होता है मैं उस शॉप से वही चीजें खरीदती हूँ, कई बार शॉप वाला दिखाता भी है कि ये नई चीज आई है, ये ऐसे आई है, वो वैसे आई है, लेकिन ये मेरा माइंडसेट पक्का है कि नहीं मैंने इस चीज का मैं यूज करती हूँ और मुझे यही खरीदना है, तो मेरी शॉपिंग बहुत इजी हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं रहता। मैं वो अपने जो मुझे पसंद है वो मैं ड्रेस लूंगी, उस ब्रांड की लूंगी और मैं घर आ जाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छी क्वालिटीज भी होती है, गुड क्वालिटीज भी होती है, कुछ उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ओके, मुझे क्या चाहिए वो मुझे चूज करना है। ओके, मतलब कि मेरे को मेरे अंदर की ताकत होनी चाहिए कि मैं औरों के अंदर अच्छा देख पाऊं। क्या राइट, और उसके लिए हमें स्टार्टिंग करना है कि मैं खुद के अंदर अच्छा देख पाऊं। अच्छा, मुझे मतलब मैं अगर अपने अंदर देख पाऊंगा तो फिर मैं जाकर के औरों के अंदर देख पाऊंगा। या राइट, ओके, कि आज मैं जो मैंने 5 क्वालिटीज की बात की उसका बेस ये है कि आज हम खुद के अंदर ही अच्छाइयां नहीं खोज पाते हैं, इसलिए तो मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, इसलिए तो मुझे लाइक्स चाहिए। राइट, तो फिर सिस्टर ऐसा कौन सी चीजें, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सारी मीठी मीठी चीजें सिखाई जाती हैं, तो आज ही अगर आपने, जैसे हर दिन क्लासेस होती हैं, आज ही कुछ अगर आपने कोई चीज ऐसी सीखी हो जिससे कि हम फोकस कर पाए कि हम अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ा पाए, कि हम कुछ ऐसे करें कि हम सहन शक्ति को बढ़ा पाए, अगर हमारे अंदर, चलो अपने अंदर अच्छा देखने की इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो गुण नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें, औरों के बारे में क्या सोचें ताकि हमारे अंदर कुछ शक्ति आ जाए, हम क्या करें उनके बारे में, हम हमेशा तो बुरा ही सोचते रहते हैं औरों के बारे में।
एक प्रकार से बद्दुआ ही देते रहते हैं एक प्रकार से, एक तरीके से देखा जाए तो हम क्या चीज करें ऑपोजिट उसका की, ताकि हमारा अंदर ये ताकत आ जाए हमारे अंदर, हमारों के बारे में क्या सोचें। देखिए ब्रह्मा कुमार इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, जैसे जैसे हम कहते हैं फंडामेंटल रूल्स होते हैं कुछ, अच्छा है ना, जैसे अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो हमें पता है ग्रेविटी वर्क करती है उसके ऊपर, राइट। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारे फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो हमें ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाए जाते हैं। हम नॉर्मली भी बहुत सारी बातें बोलते थे, जैसे जैसा जैसा फल बोगे वैसा काटोगे, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं करके, हाँ जी, तो जैसा करनी वैसी भरनी, हाँ जी, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम बोलते आए। तो वैसे ही ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट हमें दिया जाता है कि जो ये विश्व है ना, ये एक विश्व एक स्टेज है और हम सब इस विश्व रूपी ड्रामा में नाटक में पार्ट प्ले करने वाले एक्टर्स। ओके, सही बात है। अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है, और जिस तरह एक नाटक में हर एक एक्टर ये ध्यान रखता है कि मेरा पार्ट प्ले जो मैं कर रहा हूँ बेस्ट होना चाहिए, मतलब हीरो होना चाहिए या तो फिर विलन कर लो जी, या तो फिर विलन का कर लो, क्या कर लो, या तो हीरो का कर लो या तो फिर विलन का कर लो, अच्छा दोनों के अच्छे होते हैं राइट लेकिन जो विलन है जरूरी नहीं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी विलन हो, वो जस्ट एक एक्टिंग कर रहा है। ओके राइट, इतना आप सुनते हैं अगर उनकी आप पर्सनल लाइफ देखो तो वो कोई स्मोकिंग नहीं कर रहे, वो कोई ड्रिंकिंग नहीं करते, वो बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, लेकिन वो एक्टिंग कैसे कर रहे होते हैं जब हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये ऐसा बंदा है ना, वो एकदम रियल लग रहा होता है उनकी एक्टिंग। हाँ जी, और उस एक्टिंग की वजह से उनको बहुत सारी फिल्म में बहुत सारे नाटक में बहुत सारे रोल्स मिलते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो आपके हिसाब से हमें चूज करना है कि हमें विलन रोल करना है कि हमें हीरो का रोल करना है? नहीं नहीं, वो हम यहाँ इस सृष्टि पर कोई हीरो या विलन नहीं है। अच्छा, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें हैं कुछ नेगेटिव चीजें। ओके, जब हम वो नेगेटिव कर्म कर रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम विलन प्ले कर रहे हैं। ओके, हम पॉजिटिविटी को हम हमारी बाहर रेडिएट हो रही है तो हम ऐसा हीरो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं सिस्टर, जैसे कि हम कुछ गलत कर्म, आपने जैसे बोला तो कुछ गलत कर्म कर लेते हैं एंड जिस कारण से दिन रात मतलब उस व्यक्ति की याद ही आती रहती कि मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने उसको ऐसे कह दिया, ना दोनों तो एक चीज होता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है यहाँ देखो मैंने उसको अपनी जगह पर रख दिया, मैंने फिर कभी कभी दुख भी फील होता है सिस्टर कि मैंने उसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो उसमें भी तो हमारी खुशी गायब हो रही है। बिल्कुल हो रही, तो उस समय हम क्या करें ऐसा कि हमारी खुशी बढ़ जाए, उसको हम क्या भेजें, आपने जैसे वाइब्रेशन बोला, आपने बोला एनर्जी बोली, उससे हमें क्या ऐसी एनर्जी भेजें या वाइब्रेशन भेजें ताकि हमारी भी एनर्जी ऊपर आ जाए उसकी भी एनर्जी आ जाए ऊपर। देखिए उसमें दो चीजें, या तो मेरे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं सामने से जाकर उसको सॉरी बोल दूं। ओके, जो मुश्किल होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है और हमारा ईगो कहीं ना कहीं उसमें हमें पीछे कर देता है, राइट, सोचते हैं कि मैंने सॉरी बोल दिया तो फिर इन फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए मेरे ऊपर ये टैग लग जाएगा। इसमें दूसरी चीज आती है क्योंकि रिलेशन जो हमारे बीच में होते हैं वो एक एनर्जी के बेस होते हैं। ओके, तो यदि बात रियली मुझे ये लग रहा है कि मेरी गलती थी और मैंने एकदम से रिएक्ट कर दिया, ये रियलाइज होने के बाद हम जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से उस सोल के प्रति क्रिएट करते हैं, हाँ जी, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं और जैसे ही कोई भी ट्रिगर होता है उस चीज के लिए उस रिलेशन में, वैसे ही हमारा रिलेशन एकदम नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो मतलब कि जैसे कि हमने सुना है कि ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि दुआएं दो दुआएं लो, जी जी, तो दुआएं दो मतलब कि गुड एनर्जी दो, दुआ देना मतलब होता क्या है, मतलब कि एग्जैक्टली आजकल तो ये कंसेप्ट भी गूंज गए हैं दुआ देना, मतलब कि हम ज्यादातर क्या कहते हैं प्रे कहते हैं उसको कि हाँ मैं आपके लिए प्रे कर देता हूँ कि आप ठीक हो जाओ हेल्दी हो जाओ या आपका जीवन में जो नुकसान हुआ है आपका फाइनेंशियल वो आपका ठीक हो जाए जो भी हो जाए, क्या वो क्या इसको हम दुआ देना कहेंगे? या राइट, वो दुआ देना है मतलब जो हम पॉजिटिव थॉट्स किसी के भी लिए क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा वही दुआ देना है। अच्छा, एनी पॉजिटिव थॉट किसी के लिए, या राइट,
हिंदी में या आप कहेंगे उर्दू में कहेंगे इसको, शायद दुआ कहना तो उर्दू में कहा जाएगा, तो फिर दुआ देना मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना सीख लिया। देखिए हम कई बार अपने जैसे एग्जाम के लिए, हम पीछे बात कर रहे थे, एग्जाम के लिए जा रहे हैं या किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो हम लोगों के पैर छूते थे, ठीक है, और वो हमारे सर पे हाथ रखे कहते थे कि चलो आप सफल हो जाओ उस कार्य में, है ना, तो वो एक पॉजिटिव थॉट हमें दे रहे हैं कि आप सफल हो जाओ, है ना, और हम कहते हैं इनका आशीर्वाद मेरे लिए दुआ का काम करता है, आशीर्वाद दुआ का काम करता है, एग्जैक्टली हम ये कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो जब हम वो गुड वाइब्रेशन उनको दे रहे हैं, गुड एनर्जी उनको दे रहे हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी उधर से क्रिएट हो रही okay. वो धीरे 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 न्यूट्रल होती चली जाएगी और वो गुड वाइब्रेशन उन तक पहुंचेंगे तो उनके वाइब्रेशन भी मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। और सिस्टर ये कब होगा, मतलब कि किसी से हमारे 10 साल तक हमारी बात नहीं हुई okay. और आज मैं अगर दुआ देना शुरू कर दूं उसको, मैं बैठे बैठे दुआ दूं, लेकिन अंदर से तो पेन हो रहा है ना सिस्टर, उसे कुछ कह दिया मेरे को, अंदर से पेन हो रहा है, वो कब जाएगा, मैं दुआ कैसे दूं, मेरा अंदर पेन है और फिर भी दुआ दे रहा हूं, ये कैसे होगा सिस्टर? ये एक्चुअली पहले तो आपको उसको वो जो पेन है उसको रिमूव करना पड़ेगा, आपको उस सीन को बैठकर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये चीज इसका रीजन क्या हुआ, और उस चीज को रीजन को समझ कर यदि आप उसको पहले फिनिश करते उस टॉपिक को उस चीज, जब तक आपका हीलिंग नहीं होगी तब तक आप उसके लिए वो गुड विशेस क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो वहां फिर यही हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है जो हमने पीछे अभी टच किया कि हर एक का रोल है, वो जस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, मतलब कि उस समय उनको गुस्सा आया तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने रोल प्ले कर दिया। अब हम खुद को भी देखें ना, हम खुद को भी कई बार हमारी इंटेंशन नहीं होता किसी को कुछ कहने का, राइट, हम ऐसे ही आए, किसी और बात पर मेरा मूड खराब था, घर में कई बार बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, फादर का इसमें कुछ हुआ, घर आए, बच्चों ने कुछ किया तो बच्चों पर चिल्ला दिया, वाइफ ने कुछ बोला, वो बेचारी बैठी थी किसी इम्पोर्टेंट काम को बताने के लिए, अब मेरा मूड तो खराब था ऑफिस की वजह से, उसने बोला कि आज मुझे ऐसे ऐसे जाना है तो उसी के ऊपर चिल्ला दिया। गलती उनकी नहीं है, हाँ गलती उनकी नहीं है, लेकिन वो मेरा जो मैं आज ऑफिस में जो मेरा पूरा सीन क्रिएट हुआ है, गलती मेरी भी नहीं है क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी है, मेरे अंदर वो पेन है, कहीं ना कहीं तो वो निकलना है। Exactly. तो वो सिचुएशन वैसी होती है, जो कई बार कहते हैं ना कि समय घाव भर देता है। ओके, मतलब कि मैं दुआ देते रहूं और उसके प्रे करते रहूं और मेरा घाव भर जाएगा। पहले पहले तो आपको उस सीन को जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मतलब एक्टर थे वो, उन्होंने उनका कुछ हुआ होगा और उन्होंने मेरे को कह दिया, वो मेरे को अपने को समझाना है। या राइट, कि उसके उस समय उनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, हां जी ठीक है, क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, राइट, कुछ बात भी नहीं होती। पेन कब होता है कि कोई बात भी नहीं होती, रिलेशन बहुत अच्छा था, अचानक से खराब हो गया। है ना, तो that means कुछ ऐसा incident उनके साथ हुआ होगा, कुछ बात ऐसी हुई होगी जिसके कारण यहाँ वो scene create हो गया। तो external influences कह सकते हैं कि गलती उनकी नहीं थी, लेकिन कुछ उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से उन्होंने हमारे साथ में ऐसे बिहेव किया या रिस्पॉन्ड किया या रिएक्ट किया हमारे साथ में। जी जी बिल्कुल, तो फिर तो सिस्टर थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि माफ करना किसी को मेरे ख्याल से, है ना, कि हाँ ओके, एंड देन आप उसके बाद में जाकर के आप फिर वाइब्रेशंस भेजना शुरू करें तो आप फिर अपने अंदर की एनर्जीज को ठीक करेंगे, एंड आपको कहने का मतलब कि एनर्जीज ठीक हो जाए तो आपके अंदर की जो खुशी जो गायब हो रही थी वो आपकी लौटनी शुरू हो जाए। या राइट, और कहीं ना कहीं हम उन मोमेंट्स को भी हम याद कर सकते हैं जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हमारे अच्छे मोमेंट्स भी होते। बिल्कुल, हाँ जी होते हैं, बिल्कुल, आज भले हमारा रिलेशन किसी भी कारण से खराब हुआ है, लेकिन वो फ्रेंड है, साथ में घूमने गए होंगे, साथ में एक दूसरे की हेल्प की होगी बहुत बार, है ना, एंजॉय किया होगा लाइफ को, कॉलेज टाइम जो भी, तो वो गुड मोमेंट्स पे जब हम याद करते हैं तो वो बैड मोमेंट्स हमारे धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे एक नेगेटिव इंसिडेंट हुआ तो हमारा पूरा फोकस वो नेगेटिव इंसिडेंट को लेकर नेगेटिव बातों पर ही चला जाता है। Exactly. मैंने कहीं सुना था कि इसको भी एक प्रकार से मेडिटेशन ही कहते हैं कि आप वो नेगेटिव चीज के ऊपर इतना फोकस कर रहे हो कि आप ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेट ही कर रहे हो उसके ऊपर आप।
लेकिन वो मेडिटेशन के साथ उस चीज को कनेक्ट करना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन का एक नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज कि ये भी मेडिटेशन है, मैं ये मेडिटेशन करता हूँ. ओके तो सिस्टर, आपका अभी तक तो हमें काफी सारी चीज समझ आई है. क्या हम आगे बढ़कर के अपने जो आए हुए हैं श्रोता, क्या उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? एंड फिर आप अगर हर एक के क्वेश्चन का आंसर देकर के उन्हें एक छोटी सी शॉर्ट मेडिटेशन करा दीजिए उसके ऊपर. जी बिल्कुल. क्योंकि पॉजिटिव वाली मेडिटेशन, मेरी नेगेटिव वाली नहीं, उनकी पॉजिटिव वाली. तो क्या हम लाइन्स खोल दें सारे जितने भी श्रोता हैं, क्या अपने वो अपने अपने हाथ खड़ा करें अगर रिएक्शन से, कोई एक रिएक्शन से हाथ खड़ा किया है किसी ने, अगर आप हाथ खड़ा करते हैं तो आपको हम देखेंगे एंड आपका हम आंसर देंगे. ओके, बीके टिम्पल, क्या आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? कौन पूछना चाह रहा है? अच्छा नहीं, आपको उसमें हाथ खड़ा करना है, आपका रिएक्शंस वाले में, जूम के रिएक्शंस में आपको हाथ खड़ा करना है, क्योंकि यहाँ से हर किसी को देखा नहीं जा सकता है. अगर आप अपने कौन पूछना चाह रहे हैं? अनुरोध जी, आप पूछना चाह रहे हैं? अच्छा संजू जी, संजू जी आप पूछिए, बाकी सब अपने आपको म्यूट कर दीजिए. संजू जी अपने आपको अनम्यूट. आप अपने आप को अनम्यूट करिए. हेलो हेलो, आपका फोन भी ऑन है शायद से, इसलिए आपकी एको आ रही है आवाज की. आप अपना फोन को थोड़ा दूर कर लीजिए, फोन पे भी ऑन हुआ होगा आपको लगता है. हेलो, हाँ जी आप बोलिए संजू जी. आपकी आवाज नहीं आ रही है. और कोई है? हम संजू जी आपके पास में वापस आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है. और कोई है जो कि क्वेश्चन पूछना चाहेगा? हेलो, हाँ जी बोलिए. आपकी आवाज आ रही थी, आपकी आवाज चलेगी फिर से, काइंडली फिर से बोलिए. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी सिस्टर, आवाज नहीं आ रही है तो क्वेश्चन लिख के भी भेज सकते हैं. हाँ, आप चैट में लिख दीजिए. मैं आप चैट में लिख दें तो मैं चैट में से आपका पढ़ लूंगा. नीचे आपके जूम पे आपके चैट का ऑप्शन है, उस पर आप टाइप करके लिख दीजिए एंड मैं सिस्टर के लिए क्वेश्चन पूछ लूंगा. मैं ये टाइम आपके लिए है पर्सनली एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सिस्टर से. ओम शांति सर. ओम शांति. तो सिस्टर ओम शांति, मैं मनीष तिवारी. मेरा एक प्रश्न था मैडम, ये छोटे बच्चों को हम जब उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो कभी कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदर कई चीज़ें चल रही होती हैं, हमसे बताते हैं नहीं, तो एक कन्वर्सेशन गैप होता है कहीं के पेरेंट्स और छोटे बच्चों की एज में. तो उस कन्वर्सेशन को हम कैसे थोड़ा अच्छा कर सकते हैं और कैसे थोड़ा उनके मेंटल लेवल में हम जाके समझ सकते हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा अपना प्रकाश डालना चाहेंगे थोड़ा अच्छा होगा. थैंक यू मैम. आप म्यूट कर दीजिए. या एक्चुअली जो बात आपने कही, ये बहुत सारे पेरेंट्स की ये इशू रहा होगा. उसमें आप देखिए क्या होता है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पसंद करते हैं अपनी बातों को, या कई बार हम देखते हैं किसी अदर पर्सन के साथ भी शेयर करना पसंद करते हैं, जैसे कोई हमारे नेबर्स होते हैं या काउंसलर्स के साथ बातें करना ठीक समझते हैं, काउंसलर्स के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ नहीं करते. इसमें दो चीजें हैं कि फर्स्ट तो क्या हमारा रिलेशन हमने अपने बच्चों के साथ ऐसा बनाया हुआ है कि वो बिना डरे अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सके. उसके लिए हमें बच्चों को एक्सपेक्ट, जो हम उनको एक्सेप्टेंस देते हैं ना बच्चों को, वो बहुत जरूरी है. वो फ्रेंड्स के साथ किसलिए शेयर कर पाते हैं? क्योंकि वहां से उनको
क्रिटिसिज्म नहीं मिलता है, क्योंकि आज के समय में बच्चों का पेरेंट्स के साथ एक बहुत सुंदर रिलेशन होना ये आज के समय की आवश्यकता हो गई, क्योंकि उनको भटकाने वाले हर स्थान पर मिल जाएंगे, और यदि वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे किसी गलत रास्ते को ना अपनाए। इसलिए बच्चों के साथ हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा वो रिलेशन होना चाहिए कि हाँ हमारे साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। उसके लिए हमें बच्चों को हर बात में क्रिटिसाइज करना हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को हर बात में क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो फिर अपनी बातें मेरे साथ शेयर नहीं करते। ये चीज हम खुद पे भी लेके चल सकते हैं। अगर मुझे हर कोई फैमिली का कोई भी मेंबर मुझे हर बात पे क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्या मैं पर्सनल बातें अपनी उसके साथ शेयर कर सकती हूँ? मनीष जी क्या कहते हैं आप? ऑफ कोर्स मसर, सही कहा सिस्टर। ये सबसे पहले तो बच्चों को क्रिटिसाइज करना बंद करना पड़ेगा। उनको जितना हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे उतना वो हमारे क्लोज आएंगे, क्योंकि बच्चों को आज के समय में इतने नेगेटिव एस्पेक्ट्स जानने को मिलते हैं, जो जो चीजें हमें 20-25 साल की उम्र में जानने को मिली होगी आज वो 7-8 साल के बच्चे को पता है। इस कारण से उनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन के कारण वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ शेयर करें तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों के साथ मेरा टाइम स्पेंड करना वो बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को एक क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए कि हाँ ये टाइम मैं अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करूंगा। और उनको सिर्फ हम स्टडी के लिए लेकर बैठ गए, चलो तुम पढ़ाई करो मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, सिर्फ ये नहीं, लेकिन एक एज अ फ्री टाइम कि हाँ हम बैठ के बातें कर रहे हैं, किसी जनरल टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उनके गेम के साथ बच्चों को जो पसंद है हमें उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आज की सिचुएशन ये है, बच्चे बन जाना पड़ेगा। या राइट, बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ेगा, मतलब उनके उस लेवल पे आना पड़ेगा ताकि हम वो हमसे रिलेट कर पाए। जी। और हम हमेशा शिक्षा 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 देते रहेंगे तो आपको मोरल वैल्यूज भी सिखाना चाहते हैं, आप उनको डिसिप्लिन भी करना चाहते हैं, तो वो डिसिप्लिन पहले आपको अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। राइट, बोलकर नहीं सिखा सकते। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सिस्टर, अनुराधा शर्मा जी ने पूछा है, पूछ रहे हैं कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया और टीवी से दूर कैसे करें। आंसर तो आपने दे दिया मेरे ख्याल से। मैं एक स्टोरी इस चीज के ऊपर मुझे याद आती है, छोटी सी मैं स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक ट्रैवलिंग पीरियड चल रहा था, मतलब एक बहन ट्रैवल कर रही थी, उसके साथ एक भाई भी था, को पैसेंजर था, वो जो लेडी थी उसके साथ एक छोटा बच्चा था, ये कोई 6-7 साल का बच्चा होगा। तो वो जो लेडी थी वो एक बुक पढ़ रही थी, और जो बच्चा था वो भी एक बुक पढ़ रहा था। तो वो जो को पैसेंजर था उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, इतना छोटा बच्चा मोबाइल साइड में रखा है, मोबाइल टच नहीं कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। थोड़ी देर तो उसने अपने आप को रोका, लेकिन उससे फिर रहा नहीं गया, तो उसने उस लेडी से पूछा कि बहन आप मुझे एक बात बताइए, आपने इस बच्चे को बुक पढ़ने की आदत कैसे डाली? उस लेडी ने बड़ा सुंदर आंसर किया कि भाई जी बच्चे तो जो देखते हैं वही सीखते हैं। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। पेरेंट्स ही दिन रात लगे रहे न्यूज पे फोन पर तो बच्चे बोलेंगे यही रियलिटी है, ऐसे ही बिहेव करना चाहिए हमें। इवन हम कई बार अपने बच्चों को फोन खुद देते हैं। मेरी कोई फ्रेंड आई, मैं बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से, और वो बच्चा आके मुझे कुछ बोल रहा है, वो बच्चा अभी स्कूल से आया है और वो अपने स्कूल की कुछ बात बता रहा है कि मम्मा आज ऐसे ऐसे मेरे साथ हो, हम कहेंगे चुप बैठो ना, वो नहीं चुप बैठ, हम कहेंगे अच्छा ये लो फोन में अपना कार्टून देखो, आप गेम खेलो। हाँ ये होती हैं चीजें, तो उसके हाथ में वो फोन दे रहे हैं ना। राइट 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 सिस्टर, वेरी ट्रू। एंड सिस्टर आई थिंक उनका आंसर मिल गया होगा। तो पहले अपने आप को देखें एंड फिर अपने आप को, क्योंकि हम रोल मॉडल्स हैं उनके लिए, हम जो करेंगे हमें देखे वो करेंगे।
एक है हमारे संजू सिस्टर हैं, उन्होंने आपसे ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है। मतलब तनु बहन जी, अमृत वेला कैसे करें जो आलस से नहीं आए? ये तो बहुत ही वास्ट क्वेश्चन पूछ लिया मेरे ख्याल से। इसका आंसर अगर आप 2 मिनट में दे पाए, ताकि उसके बाद हम एक मेडिटेशन करें अच्छी सी, सारे टॉपिक्स को एक साथ लेकर के मेडिटेशन करें और हर कोई अपने आप को मेडिटेट करके एनर्जी भर ले अपने अंदर, एंड फिर उसके बाद हम सेशन को समाप्ति पे लेके आएंगे। सिस्टर मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो यदि पूरे दिन में हमने बीच बीच में अपने आप को स्टॉप किया है, जो हमारी ब्रह्म कुमारी में दिनचर्या है, यदि हमने ट्रैफिक कंट्रोल अगर हम टाइम टाइम पे कर रहे हैं और बीच बीच में हम बाबा से कनेक्टेड हैं, हम मुरली में जो हमने सुबह स्टडी की है हम उसके पॉइंट्स का चिंतन करते हैं, तो हमारा, और रात को हम बाबा को बोलकर सोते हैं, तो अमृत वेला में हम बहुत फ्रेश रहते हैं। लेकिन यदि पूरे दिन मैंने अपने आप को स्टॉप नहीं किया है ना, और मान लिया पूरा दिन हम चले जा रहे और फिर हम अमृत वेला उठ भी गए, तो उठने के बाद भी, क्योंकि माइंड मेरा रात को रिलैक्स नहीं करता है, जब हमारे बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं ना, तो रात में मुझे वो रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता, इस कारण मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे कोई अगर नए स्पीकर आए, नए लिसनर्स आए, सॉरी, तो उनको शायद से अमृत वेला ना पता हो। अमृत वेला का टाइम होता है, एक्चुअली देखा जाए तो 2 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन जनरल टाइम है हमारा 4 o'clock। सुबह सुबह ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी जगहों पर बैठ करके, बिकॉज मौसम भी ठंडा होता है उस समय, गर्मी नहीं होती है, एंड शीतल हवा में बैठ करके आप मेडिटेट करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, एंड वो समय अगर ठीक करना है तो सिस्टर कह रही है कि आपको अपने पूरे दिन भर में, जैसे आज हमने बात करी, किसी ने कुछ मुझको कह दिया बुरा और मैं दिन भर उसी के बारे में सोचते रहूं, और मैंने ना उसको दुआएं भेजी, अच्छी एनर्जीज नहीं भेजी, और उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे सिस्टर का टॉलरेंस पावर, एक्सेप्टेंस पावर नहीं आई मेरे अंदर, तो वो सारी चीजें मुझे रात भर में भारी कर देंगी, और अगले दिन तक अगर मैंने कैरी ओवर कर दी सिस्टर, तो फिर मेरे ख्याल से हम उठना भी मुश्किल हो जाएगा, या उठ भी गए तो आप कह रहे हैं आलस से आएगा हमें। कई बार जो होता है, हम अलार्म हमने सेट किया, फिर हमने उसको स्नूज किया, फिर हमने उसको थोड़ी देर बाद बजता है, फिर हम उसको स्नूज करते हो, कारण यही है कि हम वो नाइट में हमारी बॉडी को तो रेस्ट मिला, लेकिन हमारे माइंड को नहीं मिला। एग्जैक्टली, और माइंड को फिर और रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट नहीं चाहिए लेकिन माइंड को रेस्ट चाहिए, इस कारण से हम नहीं, एक फ्रेशनेस के साथ नहीं उठ पाते हैं। राइट, एंड सिस्टर एक और क्वेश्चन है आपका, हम अब ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, बिकॉज समय भी की सीमाएं भी आगे बढ़ चुकी है, ताकि सिस्टर से हम मेडिटेशन सीख पाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अंजलि सिस्टर पूछ रही हैं, परचिंतन से कैसे बचें? परचिंतन मेरे ख्याल से अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, सारे जितने भी हमारे श्रोता हैं, बोला औरों के बारे में चिंतन, उनकी एक्टिंग को देखना, अपनी एक्टिंग को भूल करके, राइट सिस्टर? कैसे बचें सिस्टर से? ये एक्चुअली मेरी पर्सनल चॉइस होती है कि मुझे परचिंतन करना है या नहीं करना है, और उसमें सबसे अच्छी चीज जो हमने अभी डिस्कस भी की कि जब हम दूसरों के अंदर क्वालिटीज देखते हैं, परचिंतन माना हम उनकी नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, वही परचिंतन। यदि हम उनकी गुड क्वालिटीज को देखकर हम उसको रेडिएट कर रहे हैं, तो हम उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी ले भी रहे हैं और उनके बारे में वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट भी कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो जिसके बारे में आज तक हम नेगेटिव देख रहे थे, नेगेटिव ठीक है, उनके अंदर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी है ना, तो जब हम उनकी पॉजिटिव एनर्जी को देख रहे हैं, पॉजिटिव हैबिट्स को देख रहे हैं, पॉजिटिविटी को देख रहे हैं, और उसी को हम रेडिएट कर रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है ना, तो उसकी वो पॉजिटिव क्वालिटीज धीरे 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 इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, और उनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हेल्प हो जाएगी मेरी उस आत्मा के प्रति, यदि हम उनकी भी गुड क्वालिटीज को देख रहे हैं, और यदि हम गुड क्वालिटीज देख रहे हैं तो फिर परचिंतन की बात आई थिंक नहीं रह जाती है। मतलब एक प्रैक्टिस बनानी है सिस्टर फिर तो ये। या राइट, मतलब हम जब घूमने जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते, ये थोड़ा देखते कि कचड़ा है, यहाँ भी कचड़ा है, वहाँ भी गंदा है, ये भी गंदा है, हम तो देखना चाहेंगे कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे अच्छा है ना। तो जहाँ पर कचड़ा होता है वहाँ हम नाक बट करके साइड से फटाफट निकल जाते हैं। राइट, हाँ बिल्कुल। लेकिन लोगों के अंदर जब हम नेगेटिविटी देखते हैं, हम बड़े इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं, आपको सुना भी रहा हूँ, अच्छा ऐसे और अच्छा ऐसे, तो वहां हम इंटरेस्ट ले रहे होते,
कचरे के सामने खड़े हो गए हम जैसे, या राइट, और देख रहे हैं कौन कौन से टाइप का पड़ा है और बदबू अच्छी आ रही है. ओके, वंडरफुल सिस्टर, वंडरफुल. बहुत सारी चीजें आज बात करी हैं, बहुत सारी बातें हमने कवर करी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड अब हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट का अगर आप हमें इन सारी चीजों को कवर करके मेडिटेशन करवा दें फर्स्ट क्लास, उसके बाद हम सबको ओम शांति बोल करके हम फिर विदाई लेंगे. ओके सिस्टर, चलिए. तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, बहुत सारी चीजें सुनी समझी. आज जो हमारा टॉपिक था, हैप्पीनेस और वैल्यूज, किस तरह वैल्यूज को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और अपनी इनर क्वालिटीज को, इनर वैल्यूज को देखने का थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे. ओम शांति. अभी हम थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स करते हुए अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लेकर आए. अपने आप को देखिए, ये जीवन जो मुझे परमात्मा से मिला है, ये परमात्मा के द्वारा प्राप्त सबसे सुंदर गिफ्ट है. परमात्मा ने ये जीवन मुझे इस सृष्टि पर बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत करने के लिए दिया है. जब उसने मुझे सृष्टि पर भेजा, बहुत सारे गुण, जंतु इस सृष्टि पर अनेक कर्मों के चक्र में आकर मैंने खुद को देखना छोड़ दिया. आज समय है स्वयं को देखने का, खुद से कनेक्ट होने का. कितनी सुंदर सौगात इस जीवन के रूप में मुझे मिली, किस तरह मैं इसे यूज कर रही हूं. अपनी जीवन यात्रा को देखें, मेरा जीवन बहुत ही सुंदर और खुशनुमा है. मेरे अंदर जो क्वालिटीज है, जो गुण है, वो गुण हर एक को बांटना, हर एक को खुशी और दुआएं देना, वास्तव में यही इस जीवन की सुंदरता है. यही परमात्मा के द्वारा कर्म करने के लिए मुझे सृष्टि पर भेजा है. हर एक मनुष्य आत्मा अनेक गुणों और शक्तियों से संपन्न है. आज मैं अपने आप से ये संकल्प करती हूँ कि जब भी कोई मेरे सामने आएगा, उसके गुण वही शक्तियां देखूंगी जो परमात्मा ने उसके अंदर भरकर भेजी. और इस विश्व में एक पॉजिटिव एनर्जी
क्रिएट करने की निमित्त बनूंगी। ओम शांति सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की ब्यूटीफुल मेडिटेशन के लिए। और अब मैं, हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और सभी को भी जिसने भी ज्वाइन किया वो भी बहुत बहुत थैंक्स। हाँ जी, अब मैं यहाँ पर एक फोन नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, उस फोन नंबर पे आप जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं भाई बहन, उस फोन नंबर पे मेरे को ओम शांति करके भेजें। एंड आपको मैं एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा जहाँ पर हमारे जितने भी टीचर्स हैं सब वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस भेजते हैं। एंड आपकी एक हफ्ते तक पालना, तनु सिस्टर से भी आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस जो आपके रह गए हो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं उनसे उसी ग्रुप के अंदर। तो इस नंबर पे आप मुझे हेलो भेजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा। एंड आप सबके पास में चैट में ये नंबर आने वाला है। इस नंबर पे आप मुझे ओम शांति भेजिए या हेलो भेजिए, एंड इस नंबर पे मैं आपको वो ग्रुप का लिंक भेजूंगा जिसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं सिस्टर से और बाकी टीचर से, एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। और आने वाले इवेंट्स में, अगले हफ्ते भी, अगले संडे भी हमारा इवेंट होने वाला है, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट और एक राजयोगी एक्सपर्ट और साथ में मैं भी होऊंगा, और हम वहां पर बहुत अच्छी चिट चैट करेंगे आपके साथ में एंग्जाइटी के ऊपर। तो बने रहिएगा अगले संडे के लिए भी, और पालना के लिए आप सिस्टर तनु से वहां पर अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। काइंडली मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपको उस पे ज्वाइन करा पाऊं। ये नंबर आपके पास में नोट कर लीजिए, बिकॉज मीटिंग एंड होगी तो ये नंबर भी चला जाएगा। मैंने आपको चैट में नंबर भेज दिया है, अगर आप चैट में नहीं देख पा रहे हैं, कोई नए लोग हैं जूम पर, तो ये नंबर है 8918520787 8918520787 मैं फिर से दोहरा देता हूं 8918520787। इसी के साथ ओम शांति, थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। एंड आपसे और भी ऐसी मीठी मीठी बातें और चर्चा हम करेंगे फ्यूचर में। एंड जितने भी हमारे श्रोता हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे अच्छे सेशंस में सिस्टर से और लोग फायदा उठा पाए, उसके लिए आप ये सेशंस को और प्रमोट करें और लोगों को भी ये लिंक्स भेजें जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाएंगे, ताकि आप और सेवाएं करें और औरों से भी दुआएं कमाएं। थैंक यू सो मच सिस्टर आपके आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम साइन आउट करेंगे। अब आप सबको ओम शांति सिस्टर। ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति।